Hello students, this is lecture first of acid bases and salt. This is second chapter of class 10. Okay, today we start a second chapter of class 10. जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं, उन सभी सब्सटेंस को नेचर के आधार पर तीन भाग में बांटा गया है, चाहे कुछ भी हो, मिल्क हो, सॉइल हो, बटर हो, ठीक है, एयर हो, ऑक्सीजन गैस हो, इन सभी को, किसी भी प्रकार के सब्सटेंस जो दुनिया में पाए जाते हैं, उन सभी को नेचर के आधार पे तीन भाग में बांटा गया है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये तीन चीज है, ठीक है। एंड जो भी सब्सटेंस है उन सभी का क्या नेचर है, वो कौन एसिड है, कौन बेस है, ये कैसे जान लेंगे। फॉर दिस वी यूज अ इंडिकेटर, इसके लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच इंडिकेट्स द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट। मतलब इंडिकेटर वह सब्सटेंस है जो ये हमें बताता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्टी है, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ देखते हैं। तो इंडिकेटर सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक एसिड एंड बेसिस। क्या होता है कि इंडिकेटर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि NCA इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो अपना कलर और स्मेल चेंज कर लेता है, या कह सकते हैं तो कि बदल लेता है अलग अलग सब्सटेंस में, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये सब में। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो कितने प्रकार के इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स आर मेनली थ्री टाइप्स, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर फाउंड इन द नेचर इन प्लांट्स, फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, मतलब नेचर में प्लांट से जो प्राप्त होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर है, जैसे लिटमस, रेड कैबेज, ईटीसी। सिंथेटिक इंडिकेटर, दीज आर केमिकल सब्सटेंस, एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज, फिनोफैक्लिन, ये सब केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, ये केमिकल सब्सटेंस है जो हम लोग लैब में बनाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, फिनोफैक्लिन है। और फैक्ट्री इंडिकेटर, दिस सब्सटेंस हैव अ डिफरेंट कलर ऑर्डर, डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, ये और फैक्ट्री इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जिसके अन्य अलग अलग ऑर्डर होते हैं एसिड या बेस में, मतलब एसिड बेस में उनके स्मेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा एक टेबल बना है ताकि आपको ऑलमोस्ट जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स है उनके नाम, वो नेचुरल है या सिंथेटिक है, वो उनका कैसा कलर या स्मेल होता है एसिड में, कैसा कलर या स्मेल होता है बेस में, वो सब चीज हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट वन है नेचुरल इंडिकेटर, हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर है क्या, तो बता चुके हैं नेचुरल इंडिकेटर बेसिकली चार प्रकार के होते हैं, लिटमस, रेड कैबेज लीफ, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट एंड टर्मरिक। लिटमस एसिडिक में उसका कलर चेंज हो रेड हो जाता है, बेसिक में ब्लू हो जाता है। रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट एसिड में रेड हो जाता है और बेसिक में ग्रीन होता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट एसिड में ब्लू होता है और बेस में पिंक होता है उसका कलर। टर्मरिक का एसिड में कोई चेंज नहीं होता है लेकिन बेस में टर्मरिक इंडिकेटर कैसा हो जाता है, टर्मरिक इंडिकेटर बेस में आपका हो जाता है रेड, ठीक है, टर्मरिक इंडिकेटर आपका बेस में हो जाता है रेड। सिंथेटिक इंडिकेटर दो है, फिनोफैक्लिन, मिथाइल ऑरेंज। फिनोफैक्लिन का कलर जो होता है उसको जब हम एसिड में डालते हैं तो वो कलर लेस हो जाता है, कलर उसका खत्म हो जाता है, लेकिन फिनोफैक्लिन का कलर बेस में पिंक आता है। मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में रेड होता है जबकि बेस में येलो होता है। और फैक्ट्री इंडिकेटर हमारे पास तीन है, ऑनियन, वेनिला एसेंस और क्लैड ऑयल, ठीक है। तो बात करते हैं ऑनियन, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ऑनियन, ऑनियन एक्सट्रैक्ट जो एक प्रकार का फैक्ट्री इंडिकेटर है, उसको आप क्या चीज में डालोगे, एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो जो उसका स्मेल है वो बना रहेगा, लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। और वेनिला एसेंस को जब आप एसिड में डालोगे तो रिटेन्स स्मेल, जो स्मेल होगा वो स्मेल उसका रहेगा, अब उसमें बेस में खत्म हो जाएगा। क्लैड ऑयल जो उसका रिटेन स्मेल, जो स्मेल है
क्ले बॉल का वो रहेगा, और जैसे ही बेस में आएगा तो लॉस स्मेल, मतलब वो स्मेल अपना खो देगा, ठीक है। मतलब ये ऐसा है कि ऑनियन स्टिक या ये तीनों एसिड में है वो अपने स्मेल जैसा होता है वैसा रहता है, ठीक है। जैसा होता है स्मेल वैसा रहता है, लेकिन बेस में उनके स्मेल क्या होता है, चेंज हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस तरीके से ये मेन इंडिकेटर है। इसके बाद आपका एक पीएच स्केल है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन दिस वे योर फर्स्ट लेक्चर इन थैंक यू। अब आगे सुनते हैं।